तामिया में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है। डिवाइडर और ब्रेकर बनाने की मांग की गई है। ब्रेकर बनाने के लिए ज्ञापन दिया है, तात्कालिक समस्या से बचने के लिए ये सराहनीय प्रयास। ब्रेकर की मांग करना मानवीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। खिड़ापति माता मंदिर के पास 24 अप्रैल की रात में एक युवक की मौत हुई। 4 मई की शाम को एक कार ने आतंक मचाकर सड़क में जनधन की हानि की। आज जुन्नारदेव मार्ग पर हादसा हुआ। तामिया के व्यापारी मंडल व नगरवासियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन तामिया थाने के SI महेश हरिवार को सौंपा है और मांग की है कि जल्द से जल्द सप्ताह में तामिया से लेकर दुर्घटना स्थलों के बीच में ब्रेकर बनाए जाएं और कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम आंदोलन और चक्का जाम करेंगे। जी, तामिया में विगत कुछ समय से लगातार वाहन दुर्घटनाएँ हो रही हैं। वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यापारी मंडल के समस्त साथियों ने, अध्यक्ष सहित समस्त साथी उपस्थित हैं, इन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है जिसमें तामिया में 4-5 जगह पर स्पीड ब्रेकर बनाकर वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाए। अगर समय रहते प्रशासन की ओर से पूर्ण कार्रवाई नहीं की जाती तो व्यापारी मंडल और तामिया के नागरिक शांतिपूर्ण आंदोलन करके स्पीड ब्रेकर बनवाने की अपनी मांग को पूरी ताकत के साथ प्रशासन के सामने रखेंगे। पिछले एक महीने से 3-4 लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस दुर्घटनाओं को देखते हुए आज व्यापारी संघ ने माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय कस्टमर महोदय, थाना प्रभारी एक ज्ञापन सौंपा। इसमें ब्लॉक से लेकर तहसील से लेकर ब्लॉक तक बीच बीच में ब्रेकर बनना। जी, आपका नाम बताइए। एक्सीडेंट जो हो रहे हैं यहाँ पर विगत कई दिनों से, उसको देखते हुए हमको तत्काल यहाँ पर 5-6 दिन के अंदर डिवाइडर की व्यवस्था होनी चाहिए। न्यूटन और जुन्नारदेव जैसी जगहों पर शांति से वाहन चल रहे हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही, उसी को देखते हुए यहाँ भी डिवाइडर बनने चाहिए। और साथ ही जो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनता है उसके केस बनाकर उनका लाइसेंस तुरंत निरस्त करना चाहिए। ये यहाँ के प्रशासन से हमारा निवेदन है। आज जो तामिया में दुर्घटनाएं हो रही हैं, निरंतर 30 दिन से देखा जा रहा है कि यहाँ पर रोड पे अनियमितताएं हो रही हैं, गाड़ी वाहन इधर उधर खड़े हो रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट हो रहा है। विगत अभी 6-7 दिन पहले एक नौजवान की मृत्यु भी हुई है यहाँ पर एक्सीडेंट से रात। और कल की घटना बहुत चटकाई रही जिसमें बहुत लोगों को नुकसान पहुँचा, गाड़ियों में नुकसान आया है, जिसे देखते हुए आज कलेक्टर महोदय के नाम तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है कि यहाँ पर ब्रेकर की व्यवस्था की जाए और डिवाइडर उपलब्ध कराया जाए। और अगर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पर तो 7 दिन का समय दिया गया है, नहीं तो यहाँ पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। आपका नाम बताइए। वतन उपाध्याय, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष। तामिया से शेख फरीद की रिपोर्ट।